जी मैं। भैया आप प्लीज दुकान बंद मत कीजिए ना, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट खरीदना है। मैं काफी देर से कोई गिफ्ट शॉप ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई गिफ्ट शॉप नहीं मिली, सिर्फ एक आपकी गिफ्ट शॉप खुली थी। आप सुबह आ जाइए ना। नहीं भैया टाइम बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है, मुझे अपने पति के लिए गिफ्ट खरीदना है, प्लीज समझिए ना। चलिए फिर आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी आइए मैडम, आइए मैडम, जल्दी से कुछ पसंद कर लीजिए क्योंकि शॉप बंद करने का टाइम हो गया। जी थैंक यू सो मच। भैया ये पैक कर दीजिए। जी मैडम प्लीज लाइए। भैया एक ये वाला गिफ्ट भी पैक कर दीजिए। ये वाला? जी ओके मैडम। ये मैडम? जी ओके मैडम। हाँ ये तो बहुत ही रोमांटिक है। जी जल्दी से पैक कर दीजिए। करता हूं। ड्राइवर प्लीज कार तेज चलाओ। ठीक है मैडम। जितना हो सके उतना तेज चलाओ। ये सब बहाने हमें मत सुनाइए मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, समझिए आप। देखिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। मैडम आप टैक्सी लेके निकल जाइए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। लाइसेंस अम्बे माँ प्लीज मेरी साक्षी को कुछ मत होने देना, मैं हारी हूँ साक्षी, तुझे कुछ होने नहीं दूंगी मैं। बस भैया इधर ही रोक दीजिए, बस बस बस। कितने पैसे हुए? ये लीजिए। ये वही मंदिर है जहाँ पर साक्षी को बुलाया था मोंटी ने, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत संभाल कर वहाँ तक जाना होगा, देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं साक्षी पहुँच तो नहीं गई, या निवेदिता, निवेदिता जरूर साक्षी का वेट करी होगी। पर अंधेरे में जो भी है ऐसा लग रहा है किसी का वेट कर रहा है, लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दिया। मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना होगा। ये तो निवेदिता ही है, साक्षी का वेट कर रही है। इसका मतलब राघव ने सच कहा था, बॉन्डी ने झूठ बोला साक्षी से, बॉन्डी का इस्तेमाल करके मेरी बहन को मारने आई है यहाँ पर, कितनी गिरी हुई औरत है। आज मैं इसका सारा खेल खत्म कर दूंगी, मैं इसे साक्षी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। यार रुकिए, इसका मतलब साक्षी अभी तक पहुंची नहीं है, मुझे साक्षी को रोकना होगा। लेकिन साक्षी अभी तक पहुंची क्यों नहीं, मुझसे पहले निकली थी वो घर से। हाँ साक्षी लगता है साक्षी इस कार में, मुझे इसे रोकना होगा।
हुआ क्या है दिया? मुझे कुछ बताओगी? मैं कुछ सब बताऊंगी। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दी। आप मुझे समझाएं कि आप इतनी टेंशन में क्यों हैं और हम लोग किससे छुप रहे हैं? साक्षी, अब मैं तुझसे जो कहने जा रही हूँ ना, उससे तुझे बहुत बुरा लगने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरा दिल टूट जाएगा ये सुनकर, लेकिन तेरा सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानना चाहती है ना कि हम यहाँ पर किससे छुप रहे हैं? साक्षी, हम उस इंसान से छुप रहे हैं जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। हम उस इंसान से छुप रहे हैं जिसने आज तुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया तेरा मर्डर करने के लिए। इस मंदिर में तेरा इंतजार कर रही है, जिसने मोंटी से वो झूठा फोन कॉल करवाया था, मोंटी से तुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, धोखा था, सिर्फ तुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जिसने मोंटी से ये सब कुछ करवाया है वो कोई और नहीं, निवेदिता है। साक्षी, मोंटी ने ये सब कुछ निवेदिता के कहने पर किया है, वो गुलाम बन चुका है उसका, और उसने तुझसे सब झूठ कहा। वो तुझसे प्यार नहीं करता है साक्षी, वो तो चाहता है कि तू इस दुनिया में ही ना रहे। नहीं, नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं दी, मोंटी ऐसा नहीं कर सकता। I'm sorry साक्षी, लेकिन यही सच है, वो तुझसे प्यार नहीं करता। साक्षी, संभाल अपने आप को। साक्षी, अपने आप को संभालना होगा। साक्षी, मेरी बात सुन। साक्षी, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती है। तेरे वो सब कुछ झूठ बोला था दिल, तू बिल्कुल नहीं बदला है। वो प्यार भरी बातें, वो जिंदगी बताने की बातें थी, सब छूटी थी। मैं जी हूं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उस पर विश्वास किया, इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी, मेरे सारी खुशियां मिट्टी में मिला दी। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, और तू किसके लिए इतने आंसू बहा रही है? मोंटी के लिए। वो तेरे आंसुओं के लायक नहीं है साक्षी, वो किसी के भी लायक नहीं है। मुझसे गलती हो गई जो मुझे लगा वो सुधर गया है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझसे कहा उसके पास वापस चली जा। साक्षी, तुझे उसके पास कभी वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो है ही नहीं इसी लायक कि कोई उसे प्यार करे। वो पहले तो ऐसा नहीं था, समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा तो कैसे जा सकता है। निवेदिता के साथ मेरा मर्डर प्लान कर रहा था, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर उसे प्रॉब्लम थी मुझसे तो वो मुझे क्या तारा दी? मैं कभी उसके रास्ते में नहीं आती, हमेशा हमेशा गृह निकल जाती उसकी जिंदगी से। उसने इतना बड़ा धोखा दिया है ना दी मुझे, समझते यार।